हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिम टू इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज टेक्निक जिसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इट इज सिंपल येट पावरफुल वे टू मेक योर राइटिंग एंड स्पीकिंग मोर कंसाइज एंड इफेक्टिव। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने में जरूर हेल्प करेगा। सो मेक श्योर डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, आई हैव एन अमेजिंग गिफ्ट फॉर यू जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहां से आप इस फ्री गिफ्ट को अवेल कर सकते हैं। माई नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम एन इंग्लिश ग्रामर ट्रेनर। आई हेल्प इन इम्प्रूविंग इंग्लिश ग्रामर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो चलिए हम सीखते हैं 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो सबसे पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके लिए वह है अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। एक आदमी जो एक बीमारी से उबर रहा है, जिसे हम बोलेंगे कॉन्वलेसेंट, पुनः स्वस्थ, लाभोन्मुख। नेक्स्ट वन इज द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट अ वाइफ एब्सटेनिंग फ्रॉम द मैरिटल रिलेशनशिप। बिना पत्नी के होने की अवस्था, वैवाहिक संबंध से विरत रहना, जिसे हम बोलते हैं सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, अविवाहित जीवन। नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेस्ट, आकर्षण या रुचि का केंद्र, जिसे हम बोलेंगे साइनेसुअ, आकर्षण केंद्र, ध्रुव तारा। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु रियली अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ आर्ट एंटीक्स ईटीसी। एक व्यक्ति जो वास्तव में कला, प्राचीन वस्तुओं आदि के मूल्य को समझता है, जिसे हम बोलेंगे कॉनेसुअ, कला का निर्णायक, जो किसी कला में पारंगत हो। नेक्स्ट वन इज 100 इन एनिवर्सरी, 100 साल की सालग्रह पर, जिसे हम बोलेंगे सेंटेनरी, शताब्दी। नेक्स्ट वन इज एनी लैंग्वेज इन स्पीकिंग ओनली, कोई भी भाषा केवल बोलने में, जिसे हम बोलेंगे कॉलिकुलिज्म, बोलचाल की शैली, चलती भाषा। नेक्स्ट वन इज टू सीज बाय अथॉरिटी, अधिकार द्वारा जब्त करना, जिसे हम बोलेंगे कॉन्फिस्केट, जब्त करना। नेक्स्ट वन इज टू गिव समवन समथिंग टू मेक गुड फॉर लॉस और डैमेज, हानि या क्षति के लिए अच्छा करने के लिए किसी को कुछ देना, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पनसेट, क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट वन इज रीचिंग द फाइनल और द हाईएस्ट पॉइंट, अंतिम या उच्चतम बिंदु तक पहुंचना, जिसे हम बोलेंगे कॉन्सुमेशन, समापन, समाप्ति। नेक्स्ट वन इज अ मैन हु हैज लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द प्राइवेट सेक्टर। एक आदमी जिसका निजी क्षेत्र में बहुत निवेश है, उसे हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, महाजन। नेक्स्ट वन इज अ रूलर और बॉस हु यूजेस फोर्स इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे हिम। एक शासक या मालिक जो लोगों को अपनी बात मानने के लिए बल प्रयोग करता है, उसे हम बोलेंगे डिक्टेटर, तानाशाह, अधिनायक। नेक्स्ट वन इज वन हु इज एंगेज्ड इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ अ कंट्री, वह जो किसी देश की कूटनीतिक सेवा में लगा हो, उसे हम बोलेंगे डिप्लोमेट, कूटनीतिक, राजनयिक। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ डबल डीलिंग, दोहरे व्यवहार की प्रकृति, जिसे हम बोलेंगे ड्यूप्लिसिटी, कपट, छल, दुरंगी। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और कमिट्स एन ऑफेंस। एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहता है या अपराध करता है, जिसे हम बोलेंगे डेलिंक्वेंट, अपराधी, दोषी। नेक्स्ट वन इज फ्रूट और स्वीट डिश यूजली ईटन आफ्टर द मेन मील्स, मुख्य भोजन के बाद आमतौर पर फल या मीठा खाया जाता है, जिसे हम बोलेंगे डेजर्ट, भोजन के उपरांत खाए जाने वाले फल, मेवा, मिठाई, आइसक्रीम आदि। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी प्रकार के कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल वीडियोज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।